अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी आज आप देख रहे होंगे सारा मैंने ये ब्लैक करा हुआ है अपना सारा फ़िल्टर वगैरह। तो भाई एक बात आपसे शेयर करनी थी, रात को तकरीबन लेट नाइट में अपने घर के लिए वापसी आ रहा था, तो एक रास्ते के अंदर मुझे एक तकरीबन 55-60 साल की उम्र के एक भाई मिले। उनके गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी कि आप समझ लें कि बस दो टायरों पे एक ढांचा रखा हुआ था, वो चल रहा था, ना उसके मडगार्ड, ना उसकी हेडलाइट, ना उसके साइड कवर वगैरह कुछ भी नहीं था। बस समझ लें तरीके से दो टायरों पे एक ढांचा रखा हुआ था। लेकिन उनकी एक चीज़ थी कि उनकी गाड़ी के पीछे एक बच्चों की छोटी साइकिल रखी हुई थी। मेरा दिल हुआ कि मैं पूछता हूँ कि भाई कितने की ली। तो जब मैंने गाड़ी करीब लगाकर उनसे पूछा कि भाई कितने की लिए आपने, तो उन्होंने कहा भाई ये मत पूछो कितने की लिए, ये पूछो कैसे लिए। मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तकरीबन 6 महीने से पैसे जमा कर रहा था और रोज़ाना मुझे रोज़ 150 रुपये खाने के लिए दोपहर के मिलते थे, तो वो कुछ ना जमा होने लगते थे, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती थी कि मुझे वो खर्च करने पड़ जाते थे, तो फिर दोबारा जमा करता था। तो आज मैंने ये सहन बनाया हुआ था कि आज मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, तो दोपहर में ही मैं अपने बच्चे की साइकिल लेकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने 6 महीने पहले मुझसे कहा था कि बाबा सामने वाले भाई के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो मैं उसी जस्तजू में लगा हुआ था कि यार मुझे अब अपने बेटे को साइकिल दिलानी है। मैंने उनसे कहा कि यार भाई अपनी गाड़ी की हालत तो देखो आप, पहले इसको थोड़ा सा खर्चा कर लेते। उन्होंने कहा गाड़ी की खैर है, थोड़ा टाइम और चल जाएगी, लेकिन मेरे बेटे की खुशी मुझे ज़्यादा अहम है, मेरी खैर है। तो यार ये सोचकर यकीन करें आप, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि बाप क्या कर सकता है अपने औलाद के लिए और क्या क्या सेक्रीफाइस करता है, लेकिन बाप का प्यार कहीं नज़र नहीं आता। किसी किताब में भी सही तरीके से बाप के हवाले से लिखा ही नहीं गया, सिर्फ माँ की मोहब्बत को बताया गया, लेकिन बाप के प्यार को कहीं भी लिखा नहीं गया है। ये मैंने भी देखा है, वाकई बाप बाप ही होता है यार। कुछ भी हो, कितनी भी हालात मौसम के कैसे भी हो, लेकिन अपनी औलाद को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने देता। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि यार अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ, जो हो सकता है। बोला भाई ऐसे कुछ नहीं, अपनी मेहनत से जो करना चाहता हूँ बस अपनी मेहनत से करूँगा। तो मैंने वाकई भाई लोग ऐसे भी मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। तो जी एक बात बस दिल में आ गई, पता नहीं वो आपने सुनी थी, वो मैंने भी शेयर सुना ही था, तो दिल में आ गई, तो मैंने वो शेर सुनाना आपको ज़्यादा अच्छा समझा। तो वो आपको सुनाता हूँ कि बाप रोटी है, कपड़ा है और मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है और मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो घर में सुख और राग है। बाप है तो उससे ही माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। बाप है तो सुख सारे सपने हैं। बाप है तो बाज़ार के सब खिलौने अपने हैं। तो जी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।